नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। एमबीबीएससी प्रीलिम्स 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बात को आप सभी जानते हैं। कई विद्यार्थी तैयारी में लग चुके होंगे, लेकिन तैयारी में लगने के साथ ही तैयारी का एक सही मार्ग हमारे सामने होना जरूरी है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि वह सही रास्ता क्या होने वाला है। कुछ बातें ऐसे होंगी जो आपके दिल को आघात करने वाली है कि सर, ऐसी बातें हमने सोची नहीं, क्यों आप हमें डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा वो चीज़ें दिखाना आपको सही समझता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रणनीति के बारे में, कि इस एग्ज़ाम की रणनीति स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। और विशेष रूप से हमने जब भी इसके बारे में चर्चा की है पिछले एग्जाम्स में भी, तो विद्यार्थियों को लाभ हुआ, बेनिफिट हुआ और उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि क्या केवल आपका उद्देश्य एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है या पूरी एग्ज़ाम को निकालना है? क्योंकि मैंने अधिकतर ये देखा है कि कई विद्यार्थी करते ये हैं कि इस एग्ज़ाम में केवल प्रीलिम्स को लेकर चलते हैं कि यार एक बार प्रीलिम्स निकल गया, उसके बाद तो हम बाद के एग्ज़ाम को देख लेंगे, बाद के मेंस को देख लेंगे, इंटरव्यू को देख लेंगे। मेंस जो जाना ही जाता है मुख्य परीक्षा के नाम से, और ये केवल आपका प्रवेश द्वार है। तो सोचकर देखिए, ये एग्ज़ाम इतना कठिन नहीं है, ये एग्ज़ाम इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मेंस होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर है कि हाँ, हम मेंस की तैयारी अच्छे से करेंगे, और अगर इस एग्ज़ाम में नहीं भी होता है या फिर एक लंबी रेस तक हमें चलते रहना है तो भी हम तैयार हैं, तो ही आप एमपीपीएससी में जाइएगा। अन्यथा आपके सामने चुनौतियाँ कहीं सारी आने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी का जो रास्ता है ना, वो रास्ता इतना आसान है नहीं जितना आप समझते हैं। कई विद्यार्थी करते ये हैं कि अन्य एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और उन्हें लगता है कि यार प्री इतना सरल है तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आप वो अधिकारी बनने जा रहे हैं, उस प्रशासन में जा रहे हैं जहाँ पर आपका एक निर्णय पूरे समाज को प्रभावित करने पा रहा है, पूरे जिले को प्रभावित करने वाला है। जहाँ पर आप निर्णय लेंगे उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। तो इतनी आसान चीज नहीं होगी जो आपको यहाँ पर आपकी काबिलियत देखने के लिए, यहाँ पर आपके संघर्ष को बड़ा ही यहाँ पर महत्वपूर्ण रहना पड़ेगा। अगर आपका संघर्ष जबरदस्त नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कई सारी चीज़ें समाज के उन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा, चाहे हम पॉलिटी की बात करें या अभी हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, सभी चीज़ें आपको बहुत गहन अध्ययन के साथ पढ़नी होगी। अगर आप मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार हैं तो ही आप इसका रास्ता चुने। अब अगर आपने इसका रास्ता चुन लिया है तो हम इसकी रणनीति के बारे में बात करेंगे। लेकिन चूंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, बेनिफिट तो मेरा ही था अगर मैं कहूं कि आप तो आ जाइए एमपीपीएससी की तैयारी कीजिए, मेरे लिए तो फायदे की बात है ना। लेकिन मेरे लिए फायदा इस बात में हो या ना हो, मेरे लिए जरूरी यह है कि आपको सही बातें बताई जाए कि ये एग्जाम क्या है। क्योंकि आप भी जानते हैं, जब प्रीलिम्स होता है, प्री से लेकर मेंस एग्जाम की बात करें और इंटरव्यू की बात करें, तो इसमें लगभग 7 से 8 महीने बल्कि ज़्यादा ही समय लगता है। तो एक मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है कि अगर इतना समय लगा, इसके बाद में भी अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सोचकर देखिएगा इस एग्ज़ाम से जब इंटरव्यू से आप बाहर होते हैं तो 1 साल की प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद फिर नया एग्ज़ाम आ जाता है, उसमें फिर इतना समय लगता है। तो अगर आप सभी चीज़ों को काउंट करके चलते हैं, आपकी प्लानिंग सही है, तो एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल देंगे, लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस रास्ते में कई चीज़ें ऐसी आएगी जो आपको भटकाव का वो रहेगी, कई समय आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कौन सा रास्ता चुन लिया, कई समय आपको चीज़ें रुचिकर नहीं लगेगी, लेकिन उसके बाद भी इस पथ पर चलते रहना पड़ेगा। और अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो ही इसका रास्ता चुने। क्योंकि मुझे जयशंकर प्रसाद की 2 लाइनें बड़ी अच्छी लगती है और जो मुझे याद आ रही है, जयशंकर प्रसाद की 2 लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखले सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं अनुकूल ना हो, है ना, सॉरी जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो कुछ इस प्रकार से है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब बाधाएं धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो यहां पर चीजें प्रतिकूल रहेगी, उसके बावजूद आपको धैर्य रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस एग्जाम के काबिल बन सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की रणनीति के बारे में।
और मोटे मोटे तौर पर ज़्यादा चीज़ें हम डिवाइड नहीं करेंगे, हम केवल इतना समझेंगे इस एग्ज़ाम को निकालने का हमारा जो डिवीज़न रूल रहेगा वो तीन भागों में रहेगा। अगर आप एमबीपीएससी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो केवल इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं, एक ज़्यादा महत्वपूर्ण और एक कम महत्वपूर्ण। कम महत्वपूर्ण का मतलब ये नहीं होता है कि उन्हें पढ़ा नहीं जाता, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कम समय देना है और जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन पर कुछ ज़्यादा समय देना है। अगर आप देखेंगे तो इसके सिलेबस में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन आपके एक छोटे से सिलेबस से आएंगे और 50 क्वेश्चन आपके एक बड़े से सिलेबस से आने वाले हैं। अब वो क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर मुझसे कहे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की रीढ़ की हड्डी क्या हो सकती है तो वो मैं कहूंगा वो रहेगी एमपीजीके, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के विगत जितने भी प्रश्न पत्रों को उठाकर देखें तो एमपीजीके का जो वेटेज है ना वो बढ़ता ही गया है। अगर हम देखें कुछ प्रकार से बढ़ता ही गया है, इसका वेटेज कभी कम नहीं हुआ। चाहे हम कहीं से भी देखें एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एमपीजीके का वेटेज रहेगा, और रहेगा क्यों नहीं, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन से पूछना यहाँ पर लाजमी है। तो पहली बात ध्यान रखिए कि इस एग्ज़ाम में जो हमने यहाँ पर दो भागों में इसके सिलेबस को डिवाइड किया उसमें पहला पार्ट ये है कि एमपीजीके पर कमांड आपकी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दो यूनिट दिखाई देगी, एक यूनिट रहेगी आयोग से संबंधित, विभिन्न आयोग के बारे में यहाँ पर प्रश्न देखे जाएंगे और बड़ी छोटी यूनिट है, और एक यूनिट रहेगी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अगर हम इस सिलेबस को ऐड कर देते हैं टोटल को, इन यूनिट्स को, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सिलेबस का टोटल 50% केवल इन तीनों भाग से आता है, एक एमपीजीके से, एक आयोग से, और एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी जो आपके यूनिट 9 और 10 हैं यहां से मिलकर ये जो सिलेबस है इसका 50% क्वेश्चन या 50% सिलेबस कंप्लीट होता है। और ये जो 50% सिलेबस दूसरा बचा हुआ है इसमें पूरा आपका आ जाएगा इतिहास, इसी में आ जाएगा भूगोल, इसी में आ जाएगा अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री पॉलिटी, इसके बाद अगर हम बात करें संविधान, संविधान के साथ ही करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात अगर आप ऐड करना चाहें जो 50 नंबर से ज्यादा अंक हमें दे सकता है वो है विविध वाला पार्ट, जो मिसलेनियस वाला पार्ट होता है, यहां से दो तीन प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखिए रणनीति क्या होती है, रणनीति पर चर्चा करना क्यों जरूरी है उसके बारे में सोचिए। यहाँ पर ये जो 50% क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएंगे इसमें हम गारंटी से ये बात नहीं कह सकते कि इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद भी, और आप जानते हैं ये इतना बड़ा सिलेबस है कि सिलेबस कंप्लीट होता नहीं है, एग्जाम के एक दिन पहले तक ये लगता है कि यार सिलेबस हमारा हुआ है या नहीं है। तो इतिहास है, भूगोल है, हिस्ट्री पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनको जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से हम कितना भी कर ले केवल औसत नंबर लाते हैं या औसत से दो तीन अंक ही ज्यादा ला पाते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला जो पार्ट है इसे बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं तो यहां पर अगर हम 50 क्वेश्चन से हैं तो 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन लाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि चीजें सिंपल पूछी जाती है। भले ही पिछले बार का एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया हो, लेकिन वहां पर आप देखेंगे पेपर का जो लेवल था बड़ा सिंपल था। वर्तमान सिनेरियो में अगर हम देखें तो 80 क्वेश्चन से कुछ नहीं होना है, पहले हम 80 का टारगेट लेकर चलते थे, अब आपको कम से कम 85 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप गहन अध्ययन करेंगे, कंसेप्चुअल जो क्लियरिटी है उसके बारे में ध्यान देंगे और बेहद अच्छे ढंग से इस तैयारी को आप करेंगे। अगर पेपर टप जाता है तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, लेकिन हमें इतना टारगेट लेकर चलना है तभी हम इस एग्जाम को निकाल पाएंगे, और 85 टारगेट लेकर चलना हलवा नहीं होता है किसी भी एग्जाम में। 85% उस सिलेबस को कंप्लीट करना आसान नहीं होता, लेकिन अच्छी चीज यह है कि अगर आप
बिगिनर से भी हैं तो आपके पास लगभग 4 मंथ हैं, 4 महीने पर्याप्त तो होते हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, लेकिन इसके लिए तैयारी आपकी बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो अब आपको करना क्या है तैयारी के लिए वो समझिए। देखिए, आपको एक समय लेकर चलना है MPG के, ये आपका ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए कि आज से ही शुरू होकर आपके एग्जाम तक चलना चाहिए। दूसरी ओर आपको लेकर चलना है इन सब्जेक्ट में से एक कोई भी सब्जेक्ट, है ना। साथ ही इन दोनों यूनिट्स में से कोई एक यूनिट चाहे आप आयोग पढ़ सकते हैं, चाहे आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब भी आप संविधान का अध्ययन करें तो भारत के संविधान के अध्ययन के साथ ही आप आयोग का अध्ययन भी करें। क्यों? क्योंकि चीजें यहां पर लिंक है। हमेशा सब्जेक्ट को जब भी आप सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए जाते हैं या सिविल सेवा की तैयारी के लिए यहां पर कदम उठाते हैं तो ध्यान रखिएगा चीजों को लिंक करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप किसी पठार के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मान लेते हैं ये पठार है, इस पठार के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये हो गया भूगोल का सेक्शन। लेकिन इसी से लिंक कर ये देखिए कि यहां पर कौन कौन से ऐसे खनिज है जो मूल्यवान है, तो यही पार्ट हो गया आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन। तो भूगोल और इकोनॉमिक्स को हमने यहां पर लिंक कर दिया। तो ऐसे हमें चीजों को लिंक करके पढ़ना होगा, तब आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। वरना क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं जो केवल समझ आधार पर ही सॉल्व हो सकते हैं। तो एक समय तो हमें लेकर चलना है MPG के, और एक समय हमें लेकर चलना है संविधान को या इतिहास को, किसी भी सब्जेक्ट को आप लेकर चल सकते हैं। लेकिन आयोग को संविधान के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात ये आती है कि सर हमें ठीक है ये तो बात समझ में आ गई, कितना समय देना है, कैसे देना है, इसके ऊपर तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पढ़ा कहाँ से जाए। देखिए, क्योंकि लगभग ये तय मानकर चलिए 30 के आसपास प्रश्न बनते हैं MPG के से, और 30% सिलेबस केवल एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा था, यूट्यूब पर एक पोस्ट डाली थी कि आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो 70% से अधिक लोगों का ये जो मत था वो गया था MPGK को लेकर। उसके बाद दूसरा जो मत था वो था हिस्ट्री को लेकर। तो मैं आपकी इतनी जरूर सहायता करूंगा कि आपके लिए MPGK और इतिहास का जो पोर्शन है वो मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा। यहां पर हमारी क्लासेस निशुल्क रहेगी, चिंता नहीं करेंगे। यूट्यूब पर हम इस क्लास को लगाएंगे और क्लासेस इस तरीके से होंगे कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपके यूनिट वाइज ही हम चीजों को कंप्लीट करेंगे। बस आपको करना यह है कि कमेंट करके बताना है कि इसके अलावा कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक कंप्लीट कराया जाए। और एक बात और आपको यह बताना है कि MPGK में हमें थ्योरी वाइज पढ़ना है या यहाँ पर क्वेश्चन वाइज। आप अगर कहेंगे तो हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, आप अगर कहेंगे तो हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, जैसा आप कहेंगे। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप इन सब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं अपनी बातों को विराम देते हुए लास्ट में पूरे बात का कंक्लूजन निकालूं तो बात केवल इतनी सी है कि MPPSC प्रीलिम्स की रणनीति केवल इतनी होनी चाहिए कि MPGK आयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इस पर आपका जो समय है सबसे ज़्यादा बीतना चाहिए, तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं और इसके साथ ही इन सब्जेक्ट को भी कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ पर सिक्वेंस ये होना चाहिए, पहले आपको इतिहास पढ़ना है, फिर संविधान पढ़ना है, उसके बाद भूगोल, लास्ट में अर्थव्यवस्था। चीज़ों को अगर आप क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो आपको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता। बस आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ नए बिंदुओं को। धन्यवाद।